हमने 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर है तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, यहाँ पर आपको 8000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। इंडिया में आप किसी भी कोने में रहकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को पूरा कवर कर रहा है। यही एक फ्री कंटेंट है जो आपको पेड क्लास में एक एक क्वेश्चन छाट कर रिवाइज करवाया जाता है, तो बस आप इसका बेनिफिट्स उठाओ और अच्छे से याद रखने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हाल ही में ITI TO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। प्लेलिस्ट बनी है जिसमें अभी तक 20 वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में अच्छे से आप सारे क्वेश्चन रीड कर लेना। चलिए हम यहाँ से कवर करते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या एक से कम नहीं हो सकती। ये क्या सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। कम से कम एक तो होना, तभी जाके तो तालिका बनेगी। मतलब ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A Ctrl+U दबाने का क्या प्रभाव होगा? देखो यहाँ पर है Ctrl+A मतलब कि ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, इसका तो आपको पता है। और Ctrl+U का मतलब होता है, यू मतलब अंडरलाइन, यहाँ पर अंडरलाइन किया जाएगा, तो जहाँ पर सभी अंडरलाइन होना चाहिए, तो ये नहीं है, इसमें तो एनक्रिप्ट हो जाएगा, इटैलिक नहीं होगा, यहाँ पर सामग्री हट जाएगी, गलत है। दस्तावेज को सभी पाठ्य सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक समय 3 बार क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करें और संपूर्ण चयनित करें। पैराग्राफ को देखो, डबल क्लिक पर शब्द सिलेक्ट होंगे यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है, और 3 बार क्लिक करने पर ट्रिपल क्लिक में पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। याद रखना, एक नया क्वेश्चन है, डबल क्लिक पर तो हमें पता है जो शब्द लिखा है वो सिलेक्ट होता है, लेकिन पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए आपको 3 बार क्लिक करना ही पड़ेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टिप्स ऑफ एग्ज़ाम वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में कैसा दिखाई देगा जब कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प को इसके लिए लागू किया जाए? देखो वहाँ पर जब बोल दिया उसने कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला जो डिजिट रहेगा, जो अक्षर बोला जाएगा, वर्ण बोला जा सकता है, वो कैपिटल रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टिप्स ऑफ एग्ज़ाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रश्न के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? देखो प्रश्न के अंत में पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर फुट नोट का इस्तेमाल किया जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो फुट नोट किसे कहते हैं? फुट नोट वह टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट के नीचे प्रिंट होता है, ठीक। डॉक्यूमेंट के नीचे प्रिंट होता है वो फुट नोट कहलाता है। देखो फुट नोट यह एक रेफरेंस टेप के फुट नोट ग्रुप में प्रदर्शित होता है। फुट नोट इंसर्ट करने के लिए देखो Ctrl+Alt+F का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तरीका समझो, पहले अल्ट फिर कंट्रोल फिर F प्रेस किया जाएगा, इसके उपयोग से कमांड बनेगी जो फुट नोट इंसर्ट करती है। वर्ड उस स्थान पर फुट नोट स्थापित कर देगा और कर्सर उस पेज के नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ उस शब्द के संबंधित सूचना को आप टाइप कर सकते हैं। टेबल समूह के द्वारा डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के टेबल बनाई जा सकती है, सही बात है। एंड नोट क्या होता है? देखो एंड नोट और फुट नोट का शॉर्टकट की लगभग एक ही हो, फुट का F प्रेस करना होता है और एंड का D प्रेस करना होता है, इस प्रकार से Alt+Ctrl+D। कमांड के द्वारा एंड नोट लगाया जाता है। एंड नोट किसी टेक्स्ट का वह कमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा जाता है, मतलब कि यह कमेंट होता है। और फुट नोट क्या आता है? फुट नोट कुछ टाइप करने के लिए छोटी सी सूचना लिखी जाती है। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाएगा? देखो फाइल आइकन पर दोहरा मतलब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दस्तावेज खुल जाएगा, हाँ ये तो सही है, ओपन हो जाएगा। फाइल आइकन पर दायां क्लिक करें और ओपन का चयन करें, इससे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज ओपन हो जाएगा।
केवल फाइल आइकन पर क्लिक करें, उससे नहीं होगा, क्लिक करने से तो कुछ होगा नहीं, डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन सी हमारा सही है जो कि गलत आंसर है। केवल आइकन का चयन करें और इंटर कुंजी दबाएं। ठीक है, आप आइकन सिलेक्ट करके इंटर कुंजी भी दबाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस दिए, नहीं फॉन्ट का ये नहीं होता, गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई है, नहीं ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, दोनों गलत है। ठीक है, अब दोनों गलत है तो आप फॉन्ट की शॉर्टकट की बताओ और पैराग्राफ को मध्य में करने वाली शॉर्टकट की आप बता दो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखो माइक्रो एमएस वर्ड में 2016 में कम से कम एक और अधिकतम 64 होती है, 63। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रंग, फॉन्ट शैली और आकार जैसे प्रारूपण को पाठ में कई जगह लागू करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मेटिंग की जाती है। रंग, फॉन्ट शैली और आकार जैसे प्रारूपण को पाठ में कई जगह पर लागू करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 जो तालिका हमने देखी जिसमें कम से कम एक अधिकतम 63 होना चाहिए। देखो इसमें समझाने के लिए हर एक विकल्प रेडी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करेंगे। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है आई होप, तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, रिवीजन से भी आपका लगभग 80% कंटेंट कवर हो जाएगा। 8000 क्वेश्चन कम नहीं होते, आप ज़रूर वॉच करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए एक कुंजी इस्तेमाल करते हैं, सेल आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा एक वैध मेनू आइटम नहीं है? देखो रिव्यू का ऑप्शन होता है, इंसर्ट का ऑप्शन होता है, होम का ऑप्शन भी होता है, लेकिन टूल्स का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये एक वैध मेनू आइटम नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कौन सा है, मतलब कितना होगा? तो सबसे छोटा आकार यहाँ पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट एक होता है। अब बताओ एक से सबसे ज़्यादा कितना होगा, लेकिन यहाँ लिखा है 1638 अधिकतम होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बेडेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बेंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? देखो बेंडेड रो या कॉलम में सम और विषम रो कॉलम को एक दूसरे के साथ प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में मैक्रो का क्या अर्थ है? देखिए मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ ले सकते हैं, मतलब मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिन्हें आप किसी भी कार्य को स्वचालित रूप से आप मतलब कि एक अलार्म की तरह होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में मेनू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है? रिव्यू में ये सारे ऑप्शंस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ के पहले अक्षर को कई लाइन में फैलाता है? ड्रॉप गैप है ना, ये मिनिमम 3 लाइन में फैलता है। जैसे कि आपने कोई आपका नाम लिखा, जैसे कि आपका नाम मनीष हो सकता है, तो मनीष का एम आप कम से कम 3 लाइन में फैला सकते हैं, फिर जो स्पेलिंग है उसको आप आगे एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इसको ड्रॉप गैप कहा जाता है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑटो करेक्ट तो अलग होता है, जो आप गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं उसी दौरान आपकी सही स्पेलिंग करेक्ट लिखी जा सकती है। एमएस वर्ड 2007 के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट मेन मेनू में नॉर्मल नाम एक मार्जिन है, नॉर्मल नाम का एक मार्जिन है, ठीक है सही है। एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक साथ संपादित या एडिट किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट बनेंगे, अलग अलग एडिट हो जाएंगे। चाहे आप एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग चलाओगे तो वो अलग अलग डॉक्यूमेंट ही सेव होंगे। ऐसा नहीं कि आपने फेसबुक खोल लिया, दूसरे मोबाइल में फिर खोला तो वही एक्टिविटी
उसी वर्जन में होगी, नहीं ऐसा नहीं है। एमएस वर्ड में कौन सा दृश्य मतलब व्यू उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट की वृक्ष ट्री जैसी संरचना दिखाता है? आउटलाइन व्यू। अब देखो फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में प्रदर्शित कर देगा। ये डॉक्यूमेंट पर रीडिंग और कमेंट हेतु उपलब्ध स्पेस को मैक्सिमाइज कर देगा। आउटलाइन क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट को आउटलाइन की तरह दिखाएगा तथा आउटलाइनिंग टूल्स को प्रदर्शित भी करता है। प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है, प्रिंटेड पेज पर डॉक्यूमेंट किस प्रकार प्रदर्शित होगा ये इस व्यू द्वारा दिखाया जाएगा। वेब लेआउट व्यू, वेब पेज पर डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा यह इस व्यू पर दिखाया जाता है। मतलब ये सारे व्यू हैं जहाँ जहाँ आपको प्रोवाइड करना है उससे पहले यह आपको सैंपल बता देता है। एमएस वर्ड में आप बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। मैक्रो। एमएस वर्ड में आप मैक्रो बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। मैंने कैसा कहा, जैसे कि इसको अलार्म की तरह यूज़ किया जाता है, आप इसको सेट कर दोगे और ये ऑटोमेटिक वर्क करना चालू कर देगा। एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या होगा, एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या होगा, लेफ़्ट होता है। ठीक है, आप जैसे ही कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, कुछ लिखना चालू करोगे तो लेफ़्ट से स्टार्ट होता है। एमएस वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्न में से किस प्रकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं? A5 बनाया जा सकता है, लीगल और एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्वेश्चन 86 देखो, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते समय वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट को चुना जा सकता है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। PDF डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस रूप में सम्मिलित किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स के रूप में सम्मिलित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है, 1 से 1638 जो अभी हमने देखा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिंग मौजूद नहीं है? फ्रेम्ड, नेरो होता है, मिरर्ड होता है, वाइड होता है, फ्रेम्ड नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं और कम से कम 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 63 बनाए जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। एमएस वर्ड में कौन सा टूल चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और शैली को कॉपी करता है? फॉर्मेट पेंटर, पूरा कॉपी कर लेता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट या डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+D का इस्तेमाल किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। देखो Ctrl+F से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ किया जाएगा। Alt+Ctrl+F फुटनोट ऐड करने के लिए होता है। अगर अल्ट के साथ Ctrl+F इस्तेमाल करोगे तो फुटनोट में आप चले जाओगे। Ctrl+D मतलब डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज़ होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेनू बार छुपा होता है? फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड से फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हट जाती है? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में। यह डॉक्यूमेंट हिडन प्रॉपर्टी तथा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हेतु चेक होता है। इंसर्ट टैब आप अथेंटिटीज यह रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप के अंदर पाया जाता है। यह डॉक्यूमेंट में टेबल या ऑफ अथॉरिटी को ऐड करता है। वर्तमान पेज को छोटा या बड़ा करने का शॉर्टकट की क्या हो सकता है? Ctrl+Shift के साथ ये सिंबल, Option+C वाला। निम्नलिखित में से किस एमएस वर्ड की फीचर का उपयोग एक दस्तावेज बनाने और उसे कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है? मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? ओपन नहीं करेंगे तो एडिट कैसे होगा? किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है, डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को तमिलनाडु से बदलना है, ऐसा करने के लिए सही कमांड क्या होगी?
देखो फाइंड में जाएंगे और रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस आर, ठीक है। सर्वप्रथम कंट्रोल प्लस एस दबाए फाइंड एंड रिप्लेस विंडो प्रदर्शित हो जाती है। फाइंड एंड रिप्लेस की कुंजी कंट्रोल प्लस एच है, हमने कंट्रोल प्लस एफ देखी, जहाँ पर ये जो फाइंड व्हाट लिखा रहेगा वहाँ पे आपको मुंबई लिखना है और रिप्लेस विद में जाकर आपको तमिलनाडु कर लिख देना है, तो रिप्लेस आल पर क्लिक करके सब जगह चेंज हो जाएगा। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा कथन टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत है? पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है, आप रीड करो इसे। वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है? रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके। एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर सेंटर इंडेंट उपलब्ध नहीं होता है, राइट इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है और हैंगिंग इंडेंट होता है। वर्ड 2016 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नए संस्करण के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? .docx, ये 2007 के बाद इस्तेमाल किया जाने लगा। 2007 से पहले 2003 का .doc चलता था। AVI ऑडियो वीडियो इंटरव्यू है, एक वीडियो फॉर्मेट फाइल है, ये 2007 के बाद इस्तेमाल हुआ। 2007 से पहले .doc आता है। .stm क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका साइन है। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के संपादन समूह से संबंधित नहीं है? पेस्ट नहीं है, रिप्लेस, फाइंड और सिलेक्ट, ये तीन ऑप्शन थे। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होगा? कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस की का इस्तेमाल होगा और कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट जो बंद हो रहा है इसका इस्तेमाल किया जाता है जब फॉन्ट साइज़ बढ़ाया जाता है। तो दोनों को जी ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये वाला सिंबल और कंट्रोल प्लस ये क्लोज वाला ब्रैकेट। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे बढ़ता है कितना? सिर्फ 0.5 जाता है ना, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2007 में नहीं होता है? स्लाइड शॉर्टर नहीं होता है, 2010 की बात हो रही है, 2010 में नहीं होता है। एमएस वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने पर कौन सी टेप का इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है सेंटर में। एमएस वर्ड में किस वर्ड फाइल में टेबल्स इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? टेबल इंसर्ट करने के लिए हमको अल्ट ए आई टी का इस्तेमाल करना होगा, ऑप्शन बी। एमएस वर्ड 2010 में वाटरमार्क ऑप्शन किस में मिलता है? पेज लेआउट में जाओ और पेज बैकग्राउंड ग्रुप में क्लिक करो। कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होगा? कंट्रोल प्लस सी तो आपको ध्यान है, उसके साथ अल्ट आप यूज़ करोगे, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। निम्न में से विलोम विषम शब्द छाटना है आपको, देखो ओपेरा, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन हैं और ब्राउज़र कह सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अलग है, यहाँ पर वर्क किया जाता है और ये सारे इंटरनेट से चलने वाले हैं। अब बताओ ये सर्च इंजन है या फिर कुछ और है, ब्राउज़र है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किया जाता है पेज ब्रेक करने के लिए। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? देखो लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है और टेप स्टॉप बॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पर मध्य इंडेंट नहीं होता है। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो बटन होता है आपको रिसेट कमांड या एक्शन आपको कैंसिल करने हेतु उपयोग किया जाता है, अंडू का कमांड। वर्ड रैप फीचर किस यूज के लिए होता है? तो ये जब जरूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाना
वर्ड रिपिंग कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है जब आप महीने के पहले कैरेक्टर को टाइप करते हैं। कितने? 3 कैरेक्टर। इनमें से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है? 2 हाइफन के बदले 1 हाइफन को यूज़ करना, अंडरलाइन हाइपरलिंक, एक्स्ट्रा स्पेस हटाना, उपरोक्त सभी का इस्तेमाल यहाँ पर इसका उदाहरण है ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। एमएस वर्ड 2007 में मेन मेनू ड्रॉप के विकल्प का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट में क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो बटन होता है वो हमने देख लिया, अंडू कमांड होती है। डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन दे रहा है? सिम्बॉल्स। टाइपिंग करते समय कौन सा फीचर स्टेट कोट्स को स्मार्ट कोट में बदल देता है? ऑटो फॉर्मेट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नहीं लगाया जाता, इंडेंट लगाया जाता है, लाइन स्पेस लगाया जाता है और जस्टिफाई लगाया जाता है। फॉन्ट स्टाइल नहीं होता पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। एमएस वर्ड 2007 में मेन मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है इंसर्ट में ड्रॉप के विकल्प का। एमएस वर्ड 2007 में मेन मेन्यू ड्रॉप के विकल्प का उपयोग इंसर्ट में होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट आकार टूल में फॉन्ट का सबसे कम और सबसे ज़्यादा फॉन्ट आकार उपलब्ध होता है। कई बार देख लिया हमने, वो क्वेश्चन अलग था। और ये देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट आकार 8 से 72 होता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नाम और पता की सूची होती है, क्या कहलाती है? डेटा सोर्स कहलाता है। एमएस वर्ड में आप एक लंबे प्रलेख में प्रत्येक पृष्ठ की छोटी तस्वीरों के द्वारा नेविगेट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? थंबनेल का इस्तेमाल करेंगे, थंबनेल का। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं और लाइन ब्रेक करने के लिए हम सिर्फ इंटर का इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड दस्तावेज में एक निश्चित टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के उपरांत शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है। सिलेक्ट टेक्स्ट को केस परिवर्तित करने के लिए एमएस वर्ड दस्तावेज में अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति जो पृष्ठ के सबसे ऊपर छूट जाती है क्या कहलाती है, तथा अनुच्छेद के प्रथम पंक्ति पर जो पृष्ठ के सबसे नीचे छूट जाती है उसे हम क्या कहेंगे? विंडो और फन। जो ऊपर छूटती है वो विंडो और जो नीचे छूटती है उसको आर्फन कहा जाता है। एमएस ऑफिस में वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस इक्वल इसका प्रयोग किसके लिए होता है? सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और एक दस्तावेज में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने के लिए काम आता है? डिज़ाइन। फॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? देखो यहाँ पर दोनों कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ओपन वाला सिंबल, और बढ़ाने के लिए वहाँ पर बंद वाला ये आ जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार वाला आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, नाम बताओ? अक्षर स्वरूपण और अनुच्छेद स्वरूपण। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटनोट शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग से प्रविष्ट करवाया जा सकता है, वो है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब हमें फुटनोट का इस्तेमाल करना होता है। एमएस वर्ड के संदर्भ में आदेशों और अनुदेशों की एक श्रृंखला है जिसे आप एक कार्य को स्वतः संपन्न करने हेतु एकक आदेश के रूप में संबंधित या संगठित कर सकते हैं। माइक्रो एमएस वर्ड में कंट्रोल अल्ट 1 निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल होगा? हेडिंग 1 स्टाइल के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पुराने संस्करणों में से कौन सा बार बोल्ड और इटैलिक जैसे फॉर्मेटिंग के लिए टूल प्रदान करता है?
फॉर्मेटिंग टूलबार कहलाता है, फॉर्मेटिंग करते हैं। वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर किए जाने वाले की स्ट्रोक है शिफ्ट प्लस F5। एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं होता है ना, हेडर एंड फुटर नहीं होता है। क्वेश्चन 35 देखो, 2007 में एकाधिक लेखकों के संसाधनों को एक प्रलेख में संगठित करने के लिए कंबाइन विकल्प कौन सा होगा? रेफरेंस टेप, बिलियोग्राफी और साइटेशन समूह। डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप एमएस वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाते हैं, चेक करना। पेज डाउन दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दी जाती है, ये भी चेक करना। और कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुँचा देंगे, ये भी आप चेक करो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कि 143 सही है तो कौन से और गलत है तो कौन से, इस पर ध्यान मत देना। ऑल द बेस्ट।